हेलो बच्चों, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब बहुत अच्छे से होंगे। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा गियर्स के बारे में। ठीक है, बेल्ट के बारे में हमने पढ़ा, और हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पावर ट्रांसमिशन, यानी कि शक्ति का संचारण। ठीक है, पावर ट्रांसमिट की जा रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी कि पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। सपोज बच्चों, पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है कहां से? मोटर से मशीन में। ठीक है, किसकी हेल्प से ट्रांसमिट कर रहे थे अभी तक हम बेल्ट की हेल्प से ट्रांसमिट कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम गियर्स पढ़ेंगे। तो जब पावर ट्रांसमिशन हो ही रहा था, ठीक है, बेल्ट से, तो गियर की जरूरत क्या है? तो अब जल्दी से हम लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, सारे डिस्ट्रैक्शन बंद, सारी बातें एकदम बंद, भूल जाइए सब कुछ, सिर्फ आप और मैं और आपका कॉपी पेन उठा लीजिए। तो बच्चों देखो, जब हमने बेल्ट पढ़ा, क्या पढ़ा? बेल्ट के बारे में पढ़ा, एक पट्टे के बारे में पढ़ा, उससे पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा कि उससे पावर ट्रांसमिशन तो हो रहा था, लेकिन साथ साथ कुछ लॉसेस हो रहे थे, जैसे स्लिप, क्या हो रहा था? स्लिप हो रहा था वो, या क्रीप हो रहा था, या तो फिसल रहा था, या फिर क्या हो रहा था? सरक रहा था। दो इसमें लॉसेस हो रहे थे, और स्लिप होने की वजह से क्या हो रहा था? एनर्जी का लॉस हो रहा था, जो कि हम मशीन में नहीं कर सकते, हमें लॉस की गुंजाइश नहीं होती। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी? हमें जरूरत पड़ी बच्चों गियर्स की। क्या जरूरत पड़ी? गियर्स की जरूरत पड़ी, ताकि जो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है वो ना हो। इसका मतलब यह है कि गियर्स के अंदर स्लिप नहीं होता, गियर्स के अंदर स्लिप नहीं होता, लेकिन कुछ लॉसेस होते हैं, वो भी अभी धीरे धीरे बताऊंगा, सारी चीजें पढ़ेंगे। लॉस हर चीज में होता है, 100% एफिशिएंसी किसी चीज की नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉस तो जरूर होगा। ठीक है, लेकिन वो लॉस मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो, ये हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गियर्स किस लिए बनाए गए? ताकि बेल्ट, जो बेल्ट में क्या हो रहा था? स्लिप हो रहा था, तो वो स्लिप ना हो, इसलिए हमने गियर्स का इस्तेमाल किया। अब गियर्स क्या है, हमें ये भी तो पता होना जरूरी है कि गियर्स है क्या। जो हम गियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिखता कैसे है? क्योंकि सब, अगर आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे दिखती है, कैसे वो काम करती है, कैसे मूव करती है, वो दिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो गियर्स का एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि गियर दिखता कैसा है आपका। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या होता है, एक रोलर टाइप की ऑब्जेक्ट होती है। क्या होता है? एक रोलर टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, और आज मैं कुछ नया भी लाया हूं इस लेक्चर में, जिसकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्या है, रोलर टाइप का ऑब्जेक्ट है, जिसपे क्या हुआ है, कुछ इस टाइप के बने हुए हैं। ऐसा होता है बच्चों गियर, लेकिन देखिए जब हम बना रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा, ये थोड़ा सा मैनेज आप करेंगे, क्योंकि हाथ से इतना एक्यूरेट नहीं बन पाता बच्चों। ये कौन सा गियर है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि गियर भी बहुत प्रकार के बच्चों हमारे होते हैं। तो बेसिकली इस ऐसा गियर होता है, और ये अब क्या करता है? मूवमेंट करता है। ये अगर इस तरफ घूमेगा तो ये उल्टा घूमेगा, क्योंकि क्या होगा, ये एक दूसरे को घुमाएगा बच्चों। किस तरीके से घुमाएगा? देखो, ये इस तरीके से ये फंस के चलेगा। तो आप देख रहे हैं ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? इस डायरेक्शन में, मैंने एरो बनाया, और ये इस डायरेक्शन में। देखो, इस तरीके से टीथ एक दूसरे के अंदर चलेंगे, इसके जो दांत है इनको बोलते हैं टीथ, है ना, टूथ भी बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फंस के चलेंगे, इसी तरह से गियर्स काम करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को चलते हुए देखें, तो मैं आपको दिखाता हूं, जितनी सोर्सेस मेरे पास है उतनी सोर्सेस का मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो बच्चों देखिए किस तरह से गियर चल रहे हैं आपके, ये देखिए, ये है गियर, ये देखिए, ये काम कर रहा है गियर आपका। ठीक है बच्चों, ये देखिए, एक छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। सेम जो मैंने बोर्ड पर बनाया था, समझ लीजिए वही अब आपके सामने चल रहा है।
ठीक है, ये देखिए, और ये जो एक दूसरे में अटैच होकर चल रहे हैं ये इसके टूथ है बच्चों, इसको टीथ भी बोलते हैं और टूथ भी बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक होती है नेगेटिव ड्राइव और एक होती है पॉजिटिव ड्राइव। क्या होती है? नेगेटिव ड्राइव और पॉजिटिव ड्राइव। नोट्स इस लेक्चर में नहीं बनवाऊंगा, नोट्स आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जाएंगे, सिर्फ आपको पढ़ने रहेंगे। समझना यहां से है, पढ़ना वहां से है। ठीक है, यहां सिर्फ कंसेप्ट समझो। अब एक होती है पॉजिटिव ड्राइव और एक होती है नेगेटिव ड्राइव, दो चीज है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव ड्राइव है और नेगेटिव ड्राइव है, ये दोनों चीजें आपको देखनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो जो पॉजिटिव ड्राइव होती है बच्चों, पॉजिटिव ड्राइव जो ड्राइव है, ठीक है, इसमें स्लिपेज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? स्लिपेज नहीं है, एकदम स्लिपेज हो ही नहीं रहा है एकदम। तो स्लिपेज नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं, जिसमें क्या है बच्चों, जिसमें स्लिपेज नहीं है तो हो गई पॉजिटिव ड्राइव। जिसमें स्लिपेज है, जिसमें स्लिपेज है वो हो गई नेगेटिव ड्राइव, वो हो गई नेगेटिव ड्राइव। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती हैं कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कि पॉजिटिव ड्राइव बताइए क्या होती है और नेगेटिव ड्राइव बताइए क्या होती है। तो पॉजिटिव ड्राइव क्या होगी बच्चों? जिसमें स्लीपेज नहीं है, बिल्कुल स्लीपेज नहीं है, एकदम एक्यूरेटली काम कर रही है। ठीक है, अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम कर रही है, जितनी पावर आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं उतनी पावर ट्रांसमिट कर रही है, वो क्या हो गई? पॉजिटिव ड्राइव हो गई। नेगेटिव ड्राइव जिसमें स्लीपेज है, स्लीपेज मतलब लॉस है, सिंपल नुकसान हो रहा है, जितनी एनर्जी आप देना चाह रहे हैं उतनी एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, स्लिप हो जा रहा है, क्या हो रहा है? फिसल रहा है। तो क्या होगा, कौन सी ड्राइव होगी? वो नेगेटिव ड्राइव होगी बच्चों। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अब गियर्स के एग्जांपल कहां कहां इनका इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत जरूरी है समझना कि इनके यूजेस क्या है, गियर्स का इस्तेमाल किया कहां कहां जाता है। तो गियर्स का इस्तेमाल तो बच्चों बहुत जगह किया जाता है। गियर्स का इस्तेमाल कार्स में किया जाता है, सारे ही व्हीकल्स में किया जाता है, बाइक्स में किया जाता है, बाइसिकल में किया जाता है ना, कार्स में आपका कार बाइक बाइसिकल हो गई, व्हीकल्स हो गए, है ना, और आपकी मशीन्स हो गई, सभी जगह पे गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत सारी मशीनों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इनके, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, कि कितने टाइप के गियर्स होते हैं, तो इनका वर्गीकरण मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, वो अब आप देखिए, ये कुछ भी आपको भूलना नहीं है बच्चों। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, बहुत अलग अलग चीजों के आधार पर। ठीक है, जैसे सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ गियर्स के हिसाब से। ठीक है, कि जो एक्सिस ऑफ गियर्स है वो अगर पैरेलल है तो किस किस टाइप के गियर्स होंगे, एक्सिस ऑफ एक्सिस अगर उसके पैरेलल है तो। ठीक है, कौन कौन से होंगे? तो देखो बच्चों, पहला होगा स्पर गियर। ठीक है, स्पर गियर, हेलिकल गियर, आपके कोर्सेस में, आपके कोर्स में बस दो ही, बेवल गियर आपके कोर्स में नहीं है बच्चों। तो स्पर गियर और हेलिकल गियर दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखो इनको समझते हैं कि स्पर गियर क्या होता है और हेलिकल गियर क्या होता है, इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे कर रहे हैं? जब पोजीशन ऑफ एक्सिस पे, यानी कि अक्षों की स्थिति पर। अब देखो स्पर गियर कैसा होता है, स्पर गियर में जो दांत होते हैं ना बच्चों, इसके जो दांत हैं वो स्ट्रेट है, सीधे दांत है एकदम, यानी कि एक दूसरे पर जब दांत आ रहे हैं तो इस तरीके से आ रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पर गियर है, इसके जितने भी दांत होते हैं बच्चों क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, सीधे दांत होते हैं एकदम इसके। ठीक है, इस टाइप के देखो
ये एक मैंने गियर बनाया और ये जो है ये क्या है, ये एक स्पर गियर का एग्जांपल है। तो अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो स्पर गियर है इसकी स्पीड बड़ी कम होती है। इसकी स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है एक टूथ दूसरे टूथ के, ठीक है, टीथ जो है स्ट्रेट है तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आया, ये आया पूरा, ये आया। तो अगर आप इन्हें स्पीड से चलाएंगे, इसकी स्पीड आपने बढ़ाई, लेकिन इसका इस्तेमाल किस पे किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है लो स्पीड पर। क्यों, उसका रीजन है, क्या रीजन है, उसका वजह यह है बच्चों कि अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ाई तो यह आवाज करेगा, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मारा है, ठप 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 ठप, क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा कि आवाज आनी शुरू होगी। देखो ये सपोज ये दोनों क्या है, स्ट्रेट टीथ है, यानी कि स्पर गियर है, तो ये आ रहा है ना पूरा कॉन्टेक्ट में, लेकिन यही चीज अगर इंक्लाइंड आए तो आवाज नहीं आ रही बच्चों, लेकिन अगर स्ट्रेट आ रही है तो आवाज आ रही है। तो अब देखो किस तरह से लगता है स्पर गियर, ये मैं आपको एक बार बच्चों दिखाता हूं। देखिए जो मैंने बोला ना अभी आपसे, स्पर गियर के जो टीथ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। अब आपको देखना है कि स्ट्रेट है कैसे, ये देखो बच्चों, ये देखो इसके जो दांत हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं बच्चों, ठीक है, इसी तरह से स्पर गियर काम करता है। अब ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ रहा है एक दूसरे के, तो जब ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो ये आवाज करेंगे, जिस वजह से क्या होता है, हम इसका इस्तेमाल उन मशीनों में नहीं करते जिसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी बच्चों। हम कहां इस्तेमाल करेंगे, जहां पर लो स्पीड की रिक्वायरमेंट है हमें, किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी जरूरत है, लो स्पीड की जरूरत है, तो वहां पर हम इस पर गियर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों हेलिकल गियर की, तो इसके जो टीथ होंगे बच्चों हेलिकल गियर के वो इंक्लाइंड होंगे, इंक्लाइंड होंगे, थोड़े से झुके हुए लेटे हुए होंगे, यानी कि इस तरीके के होंगे, अरे मेरे से मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, ठीक है ड्राइंग थोड़ी मेरी एडजस्ट करना। हेलिकल गियर, अब देखो हेलिकल गियर में क्या हो रहा है बच्चों, इस पर गियर के बारे में मैंने आपको बताया, अब मैं जब बलदार गियर की बात कर रहा हूं, यानी कि हेलिकल गियर की बात कर रहा हूं, तो इसके जो टीथ हैं, इसके जो दांते हैं, जो दांत है वो थोड़े से क्या है, इंक्लाइंड है, यानी कि टेढ़े हैं, ठीक है, यहां से, तो अब ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, ये किस तरह से कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये इस तरह से कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, और क्या हो गया, इनका टूटने का खतरा भी कम हो गया, क्योंकि डायरेक्टली जब कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो क्या होगा, डायरेक्टली ठप से लगा करके टूट भी सकता है गियर, ठीक है ना, अगर अच्छे मटेरियल का नहीं है तो टूट भी सकता है, तो इसीलिए क्या हुआ, इनका इस्तेमाल किया गया कहां, इनका इस्तेमाल किया गया हाई स्पीड पर, कहां पर, हाई स्पीड पर। इंसान है ना, खुराफाती दिमाग होता है इंसान का, तो इंसान क्या करता है, जब गियर बनाया लो स्पीड पर इसको चलाया होगा पहले 100% इसी को पहले चलाया होगा हाई स्पीड पर, ठीक है, फिर क्या होगा, आवाज आई होगी बहुत तेज, तो कह रहा होगा क्या करें क्या करें क्या करें, ये तोड़े भी होंगे बहुत सारे गियर, तो फिर खुराफात जागी दिमाग में, तो उन्होंने बनाया हेलिकल गियर, जिसमें क्या किया उन्होंने, दांत इसके थोड़े से क्या किया, एंगल पे बना दिए, लगभग 45 डिग्री का एंगल होता है दोनों में ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या बनता है, हेलिकल गियर के टीथ बन जाते हैं, जिससे ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आता, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उससे क्या होता है, आप उसका इस्तेमाल हाई स्पीड पे भी कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं हेलिकल गियर कैसा दिखता है बच्चों, ये देखिए, ये है हेलिकल गियर, ये देखिए, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे एक दूसरे के। इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों कि सिंपल किस तरीके से बने होते हैं, जैसे जैसे आप समझिए कि एक ये शाफ्ट है, एक ये शाफ्ट है, ठीक है, और इसी के पैरेलल दूसरी शाफ्ट है, क्योंकि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, वर्गीकरण कर रहे हैं किसके बेसिस पे, पैरेलल है, एक्सिस क्या है, पैरेलल है, दोनों के एक्सिस पैरेलल है, तो अब क्या किया, यहां पे गियर्स लगाए मैंने, दो गियर्स लगाए,
ये दो गियर, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, एक क्या है, एक के जो टीथ रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे बच्चों, ये देखो जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, दूसरे के इस तरीके से। तो ये जब कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के तो किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आएंगे, ये देखो इस तरीके से, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो ये देखो ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे एक दूसरे के, धीरे धीरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो क्या होगा, हेलिकल गियर बनेगा बच्चों। अब आता है डबल हेलिकल गियर, क्या आता है, डबल हेलिकल गियर बच्चों, डबल हेलिकल गियर। अब डबल हेलिकल गियर में क्या करते हैं बच्चों, डबल हेलिकल गियर में इन्हें डबल कर देते हैं, इन लाइंस को क्या है, एक ही, यानी कि ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये देखो दूसरी शाफ्ट भी इसके पैरेलल ही लगी हुई है, इसके समांतर ही लगी हुई है बच्चों। अब क्या किया है, इसमें दो गियर लगाए हैं, ये देखो ये दो गियर है, ठीक है, टॉप व्यू देख रहा हूं गियर्स का। तो इसमें डबल हेलिकल का क्या मतलब है, ये इस तरीके से दोनों, दूसरा ये, आपको एनिमेशन से थ्रू अगर आप समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं एनिमेशन के थ्रू ही आपको मैं दिखाऊं ताकि आप समझे चीजों को, ठीक है बच्चों। अब देखो अब तक जो आप देख रहे थे ये वाला जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये वाला, इसको समझना, ए वाला जो एग्जाम्पल है वो है ये, क्या है ये देखो इस तरीके से, ठीक है ये, और ये वाला जो एग्जाम्पल है डबल हेलिकल गियर का वो कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो ये है डबल हेलिकल गियर बच्चों, ये देखो डबल हेलिकल गियर, इसमें देखो दो लाइंस बनी हुई, सेम वही बी वाली इमेज है जो मैंने क्या बनाई है इस पे बोर्ड पर बनाई हुई है, सेम वही है देखो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा भी आपको लग रहा होगा, कम से कम वो चीजें जो आप पढ़ रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग, गियरिंग के आधार पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एमपॉली पर मिल जाएंगे, एमपॉली से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग। ये बड़ा आसान है, ये बहुत ही आसान है, इसमें दो टाइप की गियरिंग होती है बेटा, एक होती है एक्सटर्नल गियरिंग, एक्सटर्नल गियरिंग, और एक होती है इंटरनल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग। एक्सटर्नल गियरिंग, अब आपको गियरिंग तो छोड़ दो, एक्सटर्नल से ही समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर की तरफ, ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर। तो एक्सटर्नल गियरिंग का क्या मतलब है कि जो रोलर है उसके बाहर की तरफ जो टीथ बने हुए हैं, ये दोनों, दोनों में, ये देखो दूसरा अगर यहां पर चल रहा है तो यहां पर, तो ये किस टाइप के हैं, इनको बोलेंगे हम एक्सटर्नल गियर्स बच्चों, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल गियर्स बोलेंगे, ब्राहा गियरिंग बोलेंगे, बाहर की तरफ है, ठीक। इंटरनल गियरिंग मतलब ये गियर रहेगा, एक एक रोलर है, गियर जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे बच्चों, अंदर की तरफ होंगे, टूथ जो होंगे इसके अंदर की तरफ होंगे, इसमें एक तरह की शाफ्ट भी फिट की जाती है, कौन सी शाफ्ट है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, इसमें एक शाफ्ट भी फिट की जाती है, उसलिए भी ये बनाए जाते हैं, ठीक है, टीथ इसके, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ टीथ के बारे में बात करेंगे, आप किस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, जो उसके दांत है उसकी पोजिशन पे, वो आपने पढ़ लिए, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ टीथ, पोजिशन ऑफ टीथ बच्चों, ठीक है। अब जब पोजिशन ऑफ टीथ की बात करें तो दो टाइप के हैं, एक तो हो गए स्ट्रेट, एकदम सीधे स्ट्रेट, और दूसरे हो गए इंक्लाइंड,
इंक्लाइन। स्ट्रेट कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं? स्पर गियर में। और इंक्लाइन कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हेलिकल गियर में। दोनों आपको याद हो गए अच्छे से, और आपने देख भी लिए कि स्ट्रेट गियर कैसे थे और इंक्लाइन कैसे थे। भूल गए तो फिर से वीडियो में पीछे जाना, फिर से देख करके आना, ठीक है। अब गियर मटेरियल की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? गियर मटेरियल की। तो गियर मटेरियल ये तो बड़ा आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि गियर्स में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक तो कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों गियर बनाने के लिए, जो ठलुआ लोहा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है कास्ट आयरन का, ठीक है ना, किसे बनाने में? गियर्स को बनाने में। दूसरा स्टील अलॉय का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है, ठीक है। स्टील अलॉय का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है, स्पात अलॉय का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। तो दो मटेरियल ये आपको याद रखने हैं। पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक नंबर में पूछ लेगा कि गियर मटेरियल बताइए, गियर्स जो बनते हैं वो किस किस मटेरियल के बनते हैं, कोई दो मटेरियल बताइए। तो आप लिख देंगे कास्ट आयरन और स्टील अलॉय, इस्पात अलॉय और ठलवा लोहा, ठीक है। दो चीज आपको ये याद रखनी है बच्चों। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में बच्चों, ठीक है। गियर टर्मिनोलॉजी अब हम स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि गियर टर्मिनोलॉजी पूरी बनाकर दिखाइए। गियर टर्मिनोलॉजी का मतलब यह है कि आप गियर का डायग्राम बनाइए और उसमें बताइए कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। उसी को गियर टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। गियर नोमेनक्लेचर के नाम से भी आता है ये, ठीक है। गियर नामावली है ना, नामकरण बोलते हैं ना, नामकरण, इसका नाम रख दो। हर चीज का एक नाम होता है, तरीका होता है ना। जैसे ये है तो सब इसका नाम है बोल्ड, इसका नाम है क्या, मार्कर, है ना। इसी तरीके से हर चीज का एक नाम होता है। अब गियर टर्मिनोलॉजी में आपको पढ़ाता हूं, गियर टर्मिनो, गियर टर्मिनोलॉजी, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन जब आता है कि गियर टर्मिनोलॉजी करिए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे गियर का, ठीक है। सबसे पहले एक गियर का डायग्राम बनाएंगे, ये आपने एक बना लिया, ठीक है, सिंपल सा। इसको अब इधर से बढ़ाओ दो लाइन्स को, इधर करो, इधर करो, यहां बढ़ाओ, यहां बढ़ाएगा, ठीक है। अब बस डायग्राम बन गया, आप लोग और अच्छे से बनाइएगा, बोर्ड पे इतना अच्छा बन नहीं पाता है। अब क्या करना है आपको, बस इसका नामकरण करना है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है बच्चों, ये इसको बोलते हैं हम फेस थिकनेस, फेस थिकनेस, इसको बताएंगे रेड से ताकि थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना। ये वाली जो है ये है फेस थिकनेस, फेस थिकनेस, फेस की मोटाई। फर्क है, दोनों चीज समझना। ये टूथ की मोटाई है और ये फेस की मोटाई है, दोनों चीज समझना। ये टूथ की मोटाई है, तो ये वाले जो डिस्टेंस है बच्चों अंदर वाली, इसको बताएंगे आप क्या, टूथ थिकनेस। मेरे साथ साथ लिखते रहना, बनाते रहना ताकि याद रहे। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक सर्किल पास होता है, ठीक है, बीच से एक सर्किल निकलेगा इसके ये, और जो बीच से सर्किल निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पिच सर्किल बोलते हैं बच्चों। पिच वृत्त है ये, पिच सर्किल, ये हो गया आपका पिच सर्किल। अब इसमें दो सर्किल और होते हैं, एक सर्किल तो इसकी ऊपर वाली सरफेस को टच करते हुए जाता है ये, इसको, और एक सर्किल नीचे वाली सरफेस को टच करते हुए जाता है, ये गया, है ना। ऐसा लग रहा है रेनबो रेनबो बना रहे हम, ठीक है, इंद्रधनुष बना देंगे इसका। अब इसमें क्या करेंगे, एक लाइन बनाओ इसको, इसको यहां से ना, जहां से पिच सर्किल टच करता हो गया यहां से एक लाइन बनाओ उसको, इसको दो हिस्सों में बांट लिया आपने, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कलर वलर करो,
अच्छा लगता जा रहा है ये थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये क्या है, इसको ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, ये इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस, मुखड़ा, ये तो है फेस, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था, आपने इसे को मैंने तीन सर्किल में डिवाइड किया था बच्चों, ठीक है। ये जो पिच सर्किल है, बीच वाला सर्किल है बच्चों, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला सर्किल जो है ये है पिच सर्किल। अब बचते हैं दो सर्किल और, एक नीचे वाला सर्किल, एक ऊपर वाला सर्किल। ऊपर वाला सर्किल का नाम होगा अडेंडम सर्किल यानी कि अडेंडम व्रत, और नीचे वाले सर्किल का नाम होगा डिडेंडम सर्किल यानी कि डिडेंडम व्रत। अडेंडम, अडेंडम सर्कल यानी कि अडेंडम व्रत, इसका नाम होगा डिडेंडम। कैसे कैसे नाम है, डिडेंडम, डिडेंडम सर्किल, ठीक है। तो ये दोनों तीनों सर्किल डिफाइन हुआ है। जो बीच वाला सर्किल है वो है पिच सर्किल, ऊपर वाला अडेंडम, नीचे की सर टच करता हुआ जा रहा है बेस को, वो क्या हो गया, डिडेंडम सर्किल हो गया। तीनों चीजें बच्चों हमने लिख ली। अब देखो ये जो नीचे से इस सरफेस से जो यहां तक का जो डिस्टेंस है यानी कि जो डिडेंडम सर्किल है, डिडेंडम सर्किल से लेके पिच सर्किल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों डिडेंडम। क्या बोलते हैं? डिडेंडम बोलते हैं, डिडेंडम। ऊपर वाले हिस्से को अडेंडम, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मतलब कि ये मान के चलो यहां पे बना लो, ये जो है इसको बोलते हैं अडेंडम। एक बार पूरा बना लेते हैं फिर मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फेस की जो ये वाली जो सरफेस है ये इसको बोलते हैं टॉप, टॉप लेयर, टॉप लेयर। क्या बोलते हैं? टॉप लेयर बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टॉप लेयर, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें मैंने बता दी, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये वाला, अब जब ये टॉप लेयर हो गई तो नीचे वाला भी तो कुछ होगा ना, ये वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं बॉटम लैंड, निचला तल, बॉटम लैंड, है ना। ये टॉप लैंड भी बोल सकते हैं इसको, टॉप लेयर भी बोल सकते हैं, या टॉप लैंड, ऊपरी तल, ठीक है। ये दोनों तीनों आपको याद रखने हैं बच्चों। आगे देखें, अब देखो अब इसमें क्या होता है, वर्किंग डेप्थ होती है बच्चों, एक वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ यानी कि जिसके ऊपर ऊपर ही बस क्या होता है, काम करता है क्या आपका गियर, जिसके ऊपर ऊपर काम करता है वर्किंग डेप्थ। जैसे यहां से यहां तक बन दिया वर्किंग डेप्थ, बना दी यहां पर हो गई वर्किंग डेप्थ। क्योंकि वर्किंग डेप्थ क्या है, नीचे तक नहीं आता है गियर जो है वो, नीचे तक थोड़ी ना आ रहा है ये देखो ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है, एक चीज होती है बैकलैश। बैकलैश क्या चीज है बच्चों, उसको समझो। बैकलैश ये है कि ये देखो जो मेरे हाथ है ये मान के चलो ये टूथ है, ठीक है, और ये टूथ है, ठीक है, और ये गियर्स हैं, दो गियर्स हैं। अब ये देखो ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं ये। अब आप देखो इस दोनों फिंगर्स को देखना, ये इसके अंदर आने के लिए क्या चाहिए, इसको स्पेस चाहिए। तो ये जो स्पेस मिल रहा है ये इसको बोलते हैं बैकलैश। अगर ये आपने फिट कर दिया ये मूवमेंट नहीं करेगा, मुड़ जाएंगे गियर, टूट जाएंगे, टूथी मुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैकलैश बोलते हैं बच्चों, बैकलैश बोलते हैं। नोट्स में भी डाल दूंगा, याद भी रखना बैकलैश के बारे में। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है डिफरेंस किसमें, टूथ स्पेस में और टूथ थिकनेस में, है ना। डिफरेंस होता है किसमें, डिफरेंस है टूथ स्पेस में और टूथ थिकनेस में। जितनी टूथ की थिकनेस है और जितना स्पेस है दोनों में क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है बीच का, उसको क्या बोलते हैं, बैकलैश बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, सपोज ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ करूंगा बच्चों, ठीक है। अभी चलो रुक जाओ, अभी रफ करेंगे, पहले एक बार और रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको याद रहे। देखो सपोज ये गियर है, ठीक है, यहां पे और यहां पर दूसरा गियर लगा हुआ है,
ठीक है, तो ये आया। अब ये वाला जो ये है, ये वाला जो अंदर का जो जगह है, इसको बोलते हैं बैकलैश। बच्चों यही है बैकलैश, इसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं एकदम से, अगर आपने इसको फिट कर दिया यहां पर, ये बिल्कुल मिला दिए, ये मुड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, टीथ टूट जाएगा, काम ही नहीं करेगा गियर, ठीक है। अगर ये अंदर फंस भी गया तो मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट के लिए आपको बैकलैश रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बैकलैश क्या होता है। आगे देखिए, समझिए एक बार फिर से, गियर टर्मिनोलॉजी रिवाइज कर देता हूं बच्चों। हमने क्या किया, एक गियर बनाया, ठीक है। अब आपने देखा ये क्या चीज है, ये है फेस की थिकनेस, यानी कि फेस की मोटाई, और ये है टूथ की मोटाई, ठीक है, फेस थिकनेस, टूथ थिकनेस, ठीक है। आगे देखा हमने कि हमने गियर को क्या किया, पिच सर्किल खींचा एक बीचों बीच, गियर के जो टूथ है, टूथ के बीचों बीच क्या खींचा हमने, एक पिच सर्किल खींचा। उसके बाद जो इनकी ऊपर की सरफेस थी, यानी कि ये वाली सरफेस, इसको टच करते हुए एक सर्किल गया जिसका नाम था एडेंडम सर्किल, और जो नीचे वाली बेस है उसको टच करते हुए एक सर्किल गया जिसका नाम था डिडेंडम सर्किल। हमने जो टूथ है उसकी ऊपर वाली लैंड जो है, तल जो है, उसको बोला टॉप लैंड, नीचे वाली को बोला बॉटम लैंड, ठीक है। उसके बाद जो डिडेंडम सर्किल से लेकर के पिच सर्किल तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने बोला डिडेंडम, ऊपर वाले को बोला एडेंडम, ठीक है बच्चों। हमने गियर को, ये जो टूथ टीथ है, टीथ को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाले को बोला फेस, नीचे वाले को बोला फ्लैंक। ये हो गया आपका खत्म गियर टर्मिनोलॉजी। अब बच्चों बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, है ना, शेयर करना ना भूलें, और इसके नोट्स आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पे मिल दिए, डेली के डेली सेंड किए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स है, पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। सो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।